नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फैक्ट। आपके साथ मैं हूं लक्ष्य शर्मा। बधाई हो आपको, आपको बधाई हो। टीम इंडिया ने रांची वनडे मैच जीत लिया है और तीन मैचों की सीरीज 1-1 से बराबरी पे आ चुकी है। अब दिल्ली में खेला जाएगा आखिरी वनडे और जहां पे होगी सीरीज के फाइनल या डिसाइडर का मुकाबला। कौन बनेगा चैंपियन, कौन जीतेगा सीरीज दिल्ली में पता चलेगा। लेकिन अब इस वनडे की बात करते हैं। धोनी के शहर में यह हो रहा था और धोनी के शहर का ही लड़का यानी ईशान किशन चमका इस मैच में। ना केवल वनडे करियर का तीसरा अर्धशतक लगाया बल्कि मैच जिताने में एक अहम योगदान भी निभाया। शुरू से पहले बात कर लेते हैं। देखिए, साउथ अफ्रीका पहले बल्लेबाजी करती है, मार्करम अर्धशतक लगाते हैं, हेनरिक्स अर्धशतक लगाते हैं, फिर नीचे क्लासन आते हैं, वो भी 30 रन की पारी खेलते हैं। डेविड मिलर भी पिछले मैच की फॉर्म को यहां भी कंटिन्यू रखते हैं और 34 रन पे नाबाद जाते हैं। कलेक्टिव एक एफर्ट, लेकिन फिर भी कम साउथ अफ्रीका स्कोर बनाता है 279 रन का, 279 का। आज भारतीय गेंदबाजों की तारीफ होनी चाहिए क्योंकि उन्होंने काबिल वाला काम किया है, काबिलियत वाला काम किया है, तारीफ वाला काम किया है। आज आखिरी 10 ओवर में उन्होंने 60 रन भी नहीं दिए। भारतीय तेज गेंदबाजों ने की बात करें तो सिराज हो, आविश खान हो, शार्दुल ठाकुर हो, और आखिरी 10 ओवर में 60 रन नहीं दिए। और डेविड मिलर क्रीज पे थे, आप सोचिए किस कदर उन्होंने अच्छी गेंदबाजी करी होगी, कितनी अच्छी गेंदबाजी उनकी रही होगी। खैर, स्कोर ठीक ठाक बन गया था, पिच ट्रिकी थी बल्लेबाजी के लिए इतनी आसान, इसके बावजूद साउथ अफ्रीका 280 के करीब रन बनाने में कामयाब रहा। अब बल्लेबाजी आती है टीम इंडिया की। अब सब ये सोचते हैं कि चलिए यार, देखिए पिछला मैच में जो हुआ हुआ, शिखर धवन इस मैच में तो रन बनाएंगे। लेकिन यहां भी गब्बर के फैंस को निराश होना पड़ा और गब्बर एक, वो कहते हैं ना, गलत शॉट खेल के, लापरवाही वाला शॉट खेल के आउट हो गए और वार्निल पार्निल ने उनका विकेट लिया। उसके बाद शुभमन गिल, उन्होंने 2-4 अच्छे शॉट मारे, चौके भी अच्छे लगे, क्लासी लग रहे थे, कवर ड्राइव भी अच्छी खेली। लेकिन फिर वही बात कि एक, वो कहते हैं ना, अनलकी डिसमिसल कहूंगा उनके लिए। रबाडा ने एक रिफ्लेक्शन में बहुत अच्छा कैच पकड़ा लेकिन विकेट तो विकेट होता है, फिर वो भी आउट हो गए। अब यहां से मतलब 40-45 रन पे टीम इंडिया का स्कोर था और यहां पे 2 विकेट गिर चुके थे। यहां से टीम इंडिया प्रेशर में थी। लेकिन फिर आते हैं ईशान किशन और श्रेयस अय्यर। जी हाँ, दोनों मुंबई वाले। कैसे, मुंबई इंडियंस से खेलते हैं ईशान किशन, आप सभी को पता है, और मुंबई के तो हैं ही श्रेयस अय्यर। दोनों आते हैं और अपने, जो कहते हैं ना कि रोल मॉडल या जो अपने सीनियर महान बल्लेबाज विकेट कीपर कप्तान धोनी के शहर में आके अपना जलवा दिखाते हैं। आते हैं और आते के साथ ही अपने शॉट्स खेलते हैं। श्रेयस अय्यर जहां आते हैं अटैकिंग मूड में लगते हैं, तो ईशान किशन ने शुरुआत में थोड़ा सा टाइम लिया लेकिन जब वो सेट हो गए तो उन्होंने छक्के या चौकों से कम में बात नहीं की। वहीं दूसरी तरफ श्रेयस अय्यर भी आते अपने शॉट्स खेलते हैं। श्रेयस अय्यर जहां आते हैं अटैकिंग मूड में लगते हैं, तो ईशान किशन ने शुरुआत में थोड़ा सा टाइम लिया लेकिन जब वो सेट हो गए तो उन्होंने छक्के या चौकों से कम में बात नहीं की। वहीं दूसरी तरफ श्रेयस अय्यर भी लगातार बाउंड्रीज मार रहे थे और इन दोनों की बल्लेबाजी का, इन दोनों के शॉट्स का साउथ अफ्रीका के ना स्पिनर्स के पास कोई जवाब था, ना जवाब था उनके पेसर्स के पास। अब स्कोर इतना, इन्होंने, इन दोनों ने इतनी अच्छी पार्टनरशिप कर दी कि वहां से टीम इंडिया को जीतना ही था और अंत में हुआ भी यही। टीम इंडिया ने एक आसान सी जीत दर्ज करी और सीरीज अब 1-1 से बराबर हो चुकी है। दोनों ही बल्लेबाजों ने जबरदस्त बल्लेबाजी करी। शिखर धवन और शुभमन गिल जल्दी आउट हो गए लेकिन जिसके बाद उन्होंने इस तरीके की पारी खेली, देखिए दबाव में आई है ये पारी और दबाव में, वो कहते हैं कि दबाव में या आदमी निखर जाता है या बिखर जाता है। आज ये दोनों बल्लेबाज निखर गए हैं और शिखर धवन कप्तान को भी प्राउड फील होगा अपने इस यंग ब्रिगेड के ऊपर, क्योंकि पिछले मैच में संजू सैमसन चमके थे, आज उनके दो ये यंग, श्रेयस अय्यर को यंग तो नहीं बोलेंगे लेकिन हाँ ईशान किशन उनकी जगह पे लगातार सवाल उठते रहे, तो ईशान किशन की तारीफ बनती है। अपने घरेलू ग्राउंड पे उन्होंने एक बहुत अच्छी पारी खेली, मैच जिताऊ पारी खेली, बहुत बहुत बधाई हो। और टीम इंडिया की जीत के लिए आप क्या कहेंगे, पिछली हार की निराशा आपकी थोड़ी सी कम हुई, कोई बात नहीं, कम तो हुई, दिल्ली में वो पूरी बराबर हो जाएगी सीरीज जीत के। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप करें, नहीं कराए तो जल्दी से कर दीजिए, इंतजार मत कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।